नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेसियों ने। आज इलाहाबाद जनपद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन गेट से यूनिवर्सिटी चौराहे होते हुए नेत्राम तक कांग्रेस जनों ने भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों का कहना है कि वर्तमान सरकार की नीतियों और दमनकारी नीतियों, निरंकुशता और युवाओं और छात्रों की अनदेखी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय संविदा भर्ती जैसा फरमान युवाओं पर थोप रही है, जो कि पूर्णतया हिटलर शाही है। अतः हम कांग्रेसी NSUI के नेतृत्व में आम जनता से, आम जनमानस से भीख मांगकर बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार को चेता रहे हैं। भीख मांगकर प्रदर्शन करने वालों में मुख्यतः NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, नगर अध्यक्ष नफीस अनवर, प्रभारी पंडित जितेंद्र मिश्रा, महासचिव अक्षय यादव, क्रांतिवीर कोमलाक्षगिरी, इकाई अध्यक्ष सत्यम कुशवाहा, हैरी धीरेन्द्र अश्वनी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, निशांत रस्तोगी, ओपी दुबे, अभ्युत त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकिशन पटेल, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूनम सिंह पटेल, अंजुम नाज, श्री चंद्र दुबे, विवेकानंद पाठक आदि रहे। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के तानाशाही फरमान से, उनके तानाशाही निर्णयों से आज पूरे देश का, पूरे प्रदेश का युवा प्रभावित हो रहा है। आज जिस प्रकार से छात्रों के हित में अनदेखी की जा रही है, उनके लिए नए नए ऐसे तानाशाही फरमान किए जा रहे हैं कि प्रतियोगी छात्र में निराशा पैदा हो रही है और निराशा से इस तरह बढ़ गई है कि जैसा कि अभी आप चौधरी राजीव पटेल की आत्महत्या ने सबको झकझोर के रख दिया है कि जब जीनियर छात्र भी अपने आप को निराश समझ रहा है तो सामान्य छात्रों का क्या हाल होगा। जब छात्र परेशान होगा तो जानिए कि यहाँ की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है। जब बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, पूरे देश में चारों ओर दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं कांग्रेस की सिपाहियों के साथ आज जो कार्यक्रम हुआ है भीख मांगने का, इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अपने तानाशाही जो रवैये के, जो फरमान जारी कर रही है, फैसले ले रही है, उसको वापस ले। इस देश के नौजवानों को यह निराशा जो पैदा हो रही है उसको दूर करे। इस देश के जो बौद्धिक क्षमता के छात्र हैं उनको, उनका उत्साह बढ़ाए और इनके जो है बौद्धिक क्षमता का हर क्षेत्र में योगदान लेकर के देश और प्रदेश की जनता को सहयोग प्रदान करते हुए देश को आगे बढ़ाए। रामकिशन सिंह पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज, गंगापार। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तानाशाही फरमान जारी किया कि 5 साल युवाओं को पहले जो है संविदा पर रखा जाएगा, उनको फिर बाद में उनकी देख के जो है उनको परमानेंट किया जाएगा, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के युवाओं का। इसी कड़ी में जिस तरीके से इलाहाबाद के राजू पटेल जी ने इन चीज़ों को जाना और सुना, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा पूरी तरीके से हताश है और वो योगी और मोदी सरकार को पूरी तरीके से हटाने के लिए लालायित है। हम ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर इलाहाबाद के नौजवानों ने भीख मांगकर सड़कों पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को ठेंगा दिखाने का काम किया है कि आप निश्चित तौर पर ये सरकार जाने वाली है, अगर आपको शर्म आती है तो आप अनैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम करें। नफीस अनवर, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। आज आप लोगों ने क्या किया भाई? जितना भीख मांगे हो सब इकट्ठा करो, ला के समय पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र और नौजवान निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ जो देश की सरकार है वो नौजवानों और छात्रों के बारे में ज़रा सा भी सोचने के लिए वो तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे कानून बना रही है जिससे अब छात्रों को निराशा होने लगी है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तय किया कि अब सरकार, एक तो सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं है,
जो नौकरी का विज्ञापन लगता है उसका ना तो परीक्षा करा पाते हैं, ना तो उसको रोजगार दे पाते हैं, ना परीक्षा से नियुक्ति दे पा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम 5 साल तक पहले संविदा में रखेंगे, ये मात्र केवल मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करने के लिए कार्मिक विभाग ने एक साजिश रची है, जिसको उत्तर प्रदेश का नौजवान और छात्र किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और रोलर एक्ट की तरह से जो योगी सरकार ने कानून बनाने को है कि जब भी कोई छात्र आंदोलन करे बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार किया जाएगा, अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बना दी गई है। और लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, और आज हम लोग ये राजू पटेल ने निराशा में, हताशा में जो आत्महत्या की है, ये संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकार का आदमी उसके परिवार से मिलने तक पसंद नहीं किया। मेरे कहने का मतलब साफ साफ है कि हर मुख्यालय पर नौजवान हताश है, भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उनकी भविष्य इस समय सिर्फ भाजपा के नेताओं के जो बेटी और बेटा हैं वो अपने भविष्य की चिंता उनको नहीं है, लेकिन इस देश के करोड़ों नौजवानों को भविष्य की चिंता है। इसलिए कांग्रेस और हमारे रामकिशन पटेल जी जो जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हमारे नफीस अनवर जी हैं, मैं सभी साथियों के साथ, और यहाँ पर जो भीख मांगने का कार्यक्रम हुआ है पूरे इलाहाबाद जनपद में, हम लोग नौजवानों की लड़ाई के लिए कांग्रेस का सिपाही बन करके हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, और उम्मीद करते हैं इस लड़ाई को हम लोग प्रदेश स्तर पर पहुँचाने का काम करेंगे।